बिहार के उप मुख्यमंत्री और आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव को आज देश के कई हिस्सों में जाना जाता है। इन्हें कई लोगों ने हमेशा नेता के रूप में ही देखा है। आप अक्सर इन्हें टीवी पर एक लीडर के रूप में देखते होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जिसे शायद ही कोई व्यक्ति जानता होगा। आज हम आपको इस वीडियो में इनसे जुड़ी ऐसी ही बातों को बताने वाले हैं जिसे आप में से कुछ लोगों को ही पता होगा। इन सब बातों को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तेजस्वी यादव का जन्म बिहार के गोपालगंज जिले में 9 नवंबर 1979 को हुआ था। वहीं घर में सबसे छोटे होने के कारण वे सभी के लाडले थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तेजस्वी यादव एक लौते ऐसे लीडर है जो सबसे कम उम्र के अपोजिशन लीडर रह चुके हैं। ये केवल 27 साल की उम्र में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हुए अपोजिशन लीडर बने। इसके साथ ही ये केवल 26 साल की उम्र में ही बिहार के उप मुख्यमंत्री के पद पर भी रह चुके थे। इससे पहले तेजस्वी यादव ने 2015 में विधानसभा सीट राघोपुर से चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें उनके 26वें जन्मदिन पर जीत मिली थी। बताते चले कि कुछ समय पहले ही बिहार के लोगों से यह वादा किया गया था कि वे बिहार के युवाओं को 10 लाख नौकरी देंगे, जिसके बाद दूसरे पार्टी के कई नेताओं ने तेजस्वी यादव के खिलाफ कटाक्ष बोल बोले थे। शायद ही आपको यह बात पता हो कि तेजस्वी यादव की पढ़ाई केवल 9वीं तक ही हो पाई है। वह दिल्ली के सिर्फ स्कूलों में से एक DPS आरके पुरम में पढ़ चुके हैं। हालांकि उन्होंने कक्षा 9वीं में फेल होने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। अब आपके मन में यह सवाल आ रहे होंगे कि तेजस्वी यादव ने अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने जीवन में आगे क्या किया। तो मैं आपको बता दूं कि उनका एक सपना था। तेजस्वी यादव का सपना था कि वे क्रिकेटर बने, और इसलिए ही उन्होंने 9वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी। हालांकि जब उन्होंने क्रिकेट खेला तो उन्हें क्रिकेट में सफलता नहीं मिल पाई, जिस वजह से उन्होंने खेल के मैदान को छोड़कर राजनीति के मैदान में अपना कदम रख दिया। तेजस्वी यादव झारखंड की राज्य टीम की ओर से खेलते थे। इस दौरान ही तेजस्वी ने रणजी ट्रॉफी खेला था और साल 2008 से 2012 तक दिल्ली डेयर डेविल्स टीम का हिस्सा बने रहे। हालांकि उन्होंने IPL में एक भी मैच नहीं खेला और फिर उन्हें कामयाबी नहीं मिल सकी और उन्होंने खेल के मैदान को छोड़ दिया। इन सब के अलावा तेजस्वी यादव घोटाला करने वाले व्यक्तियों की सूची में भी शामिल है। इनके ऊपर कई घोटाले के आरोप है और साथ ही इनमें बेनामी संपत्ति का भी आरोप लग चुका है। साल 2017 से जब तेजस्वी यादव पर कई घोटाले के आरोप लगने लगे तो नीतीश कुमार ने इन्हें अपने पद से इस्तीफा देने को कहा, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार की बातें नहीं मानी, जिसके बाद नीतीश कुमार को 2017 में राजद से अपना गठबंधन तोड़ना पड़ा और फिर भाजपा से हाथ मिलाकर अपनी सरकार बना ली। चलिए अब हम आपको इनसे जुड़ी एक ऐसी रोचक बात को बताते हैं जिसे जानकर आपको बहुत हैरानी होगी। यह बात 2016 के अक्टूबर महीने की है। उस समय तेजस्वी यादव बिहार के सड़क और निर्माण मंत्री थे और उस समय बिहार के सड़कों की हालत बहुत जर्जर हुआ करती थी, जिस वजह से इनके द्वारा एक व्हाट्सएप नंबर लागू किया गया था। इस नंबर पर कोई भी व्यक्ति गड्ढों से जुड़ी जानकारी दे सकते थे, पर इस नंबर का लोगों के द्वारा किसी और तरीके से इस्तेमाल किया गया। बता दें कि इस नंबर पर सड़क से जुड़ी परेशानियों से ज्यादा तेजस्वी के शादी के लिए प्रस्ताव मिले। उन्हें उस समय लगभग 44,000 शादी के प्रस्ताव मिल चुके थे। अब उनके शादी की बात आई है तो मैं आपको यह भी बता देती हूँ कि उन्होंने अपनी बचपन की दोस्त और अपनी स्कूल फ्रेंड रिचेल से शादी की। दोनों दिल्ली के आरके पुरम DPS स्कूल में साथ पढ़ते थे, जिसके बाद रिचेल ने अपना धर्म बदल लिया ताकि इनके पति के करियर में शादी के बाद कोई दिक्कत ना आए, और आज वे रिचेल से राजश्री बन गई। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।